Hello learners, I am Phronika ma'am. Today we are going to discuss class 11th, chapter number 2, consumer equilibrium. और उसके अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास, दैट इज द जस्ट इंट्रोडक्शन इज कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी. आप लोगों को पता होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, दैट इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और ये दोनों क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 मार्क्स के आपको पेपर में देखने को मिलेंगे. क्लास आज मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप मेरे उस वीडियो का इंतज़ार करना, क्योंकि मैं आज आपको सिलेबस डिस्कस करने पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, और आजकल में आपको मेरी वो वीडियो मिल जाएगी कि आपका पेपर जो है वो नवंबर तक एमसीक्यू हो गया है, और नवंबर के बाद जो आपका पेपर होगा दैट इज टोटली सब्जेक्टिव. तो आपको शायद अभी तक ये न्यूज़ मिली होगी या नहीं होगी, तो आज इस पर मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा, आप उसे बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो आपका नवंबर तक का पेपर होगा दैट इज टोटली एमसीक्यू, और उसमें आई थिंक सो ओनली 17 मार्क्स की माइक्रो है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, चैप्टर नंबर 3 डिमांड, और चैप्टर नंबर 4 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये आपका प्रॉपर टर्म 1 है, और इसका वेटेज 17 मार्क्स है जो बोर्ड ने डिसाइड किया है फॉर द ईयर या फॉर द सेशन 2021 और 22 सेशन के लिए. ये आपका माइक्रो का सिलेबस है, जिसमें इंट्रोडक्शन यूनिट आ रहा है पूरा, एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड. ये टोटल वेटेज आपको 17 मार्क्स का दिया जाएगा, और ये टोटल पेपर टोटली एमसीक्यू है, एक भी क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव नहीं मिलेगा. तो क्लास, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को. तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो क्लास, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी ही क्या होता है, आप लोगों को मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके बताती हूँ. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो. तो उसकी मम्मी उसे एक एप्पल खाने के लिए देती है. जब वो एप्पल खाता है तो उसे खाने के बाद उसे क्या मिलती है, थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, मतलब उसकी टमी, उसके पेट को थोड़ी बहुत संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है. तो उसी सेटिस्फैक्शन को हम इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं. क्लियर हुआ? सेटिस्फैक्शन को ही हम इकोनॉमिक्स टर्म में यूटिलिटी कहते हैं. अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फाइंग वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी या फिर प्रोडक्ट. अब क्या लिखा है, हम यूटिलिटी को किस टर्म में मेजर करते हैं? यूटिल्स में मेजर करते हैं. अब ये यूटिल्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एक एप्पल का एग्जाम्पल लिया कि एक बच्चे को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, वो अपनी मम्मी के पास गया और उसने कहा कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो. उसकी मम्मी ने कहा ठीक है बेटा, इतने तुम अभी एक एप्पल खाओ. वो एक एप्पल खाता है तो उससे उसको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है. अब उसकी मम्मी अगर उससे पूछने लग जाए कि बेटा तुझे इसे खाकर कितनी सेटिस्फैक्शन मिली, तो वो कैसे बता सकता है? आप बता सकते हो? नहीं. कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? अरे यार, बस ये है कि हाँ, हमारे को थोड़ी हमारी भूख शांत हो गई. कितनी संतुष्टि मिली ये हम नहीं बता सकते. तो इसलिए हम यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करते हैं. और अब यूटिलिटी दो तरीके की होती है, दैट इज कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच किसने दी है? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है एल्फर्ड मार्शल ने दी है, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ये किसने दी है? ये जे आर हिक्स ने दी है, जो मैं आपको आगे भी बताऊंगी. क्लियर हुआ? तो आप ये लिख सकते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच
कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो है इज गिवन बाय, आप इसमें ये ऐड भी कर सकते हैं, इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और उसने क्या कहा है इसमें मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है, आपकी मम्मी आपको एक पॉकेट मनी देती है और आपकी उसकी मंथली पॉकेट मनी जो आपकी मम्मी ने आपको दे रखी है दैट इज ₹100। क्लियर हुआ? अब आप इस ₹100 से तीन चीजें परचेज कर रहे हो, मतलब एक कर रहे हो एप्पल, एक कर रहे हो मैंगो और एक कर रहे हो बनाना। तो अगर जब आपने एक एप्पल खाया तो उससे आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिली? 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब आपने एक मैंगो खाया तो आपको उससे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। जब आपने एक बनाना खाया तो आपको उससे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो देखो अब मैं इसे किस फॉर्म में लिख रही हूँ, नंबर टर्म्स में। 80, 20, 100, दैट इज कार्डिनल अप्रोच। क्लियर हुआ? कार्डिनल अप्रोच किसे कहते हैं? जिसमें मैं सेटिस्फैक्शन को तो मेजर हम यूटिल्स में करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम उसको किस में मेजर करें। हम किसी को कितनी बताए कि हमें इतनी संतुष्टि मिली, अरे वो पूछ रहा है आपको कितनी संतुष्टि मिली, कोई नहीं बता सकता। लेकिन मैंने उसे नंबर में लिख दिया कि एप्पल खाने से मुझे 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, मैंगो खाने से मुझे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली और बनाना खाने से मुझे 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। तो ये क्या है? नंबर टर्म्स में। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम किसके बारे में बात करते हैं? नंबर टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, मतलब नंबर में मेजर करते हैं। अब इसी में मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों रखा गया। आपने ये मेरा डाटा देखा होगा तो इसमें आपको ये पता चला होगा कि उस बच्चे को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसको खाने से मिली। आपको देख के भी पता चल रहा होगा बनाना खाने से उसे सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किस चीज को खाने से मिली? बनाना खाने से मिली। और कितने यूटिल्स मिली? 100 यूटिल्स मिली। तो दैट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पर कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हो और वो उसके बजट में भी आता हो, वो उसे अफोर्ड भी कर सकता हो, दैट इज ₹100। क्लियर हुआ? तो ये इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। क्लियर हो गया क्लास? अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का भी मैं आपको एक एग्जांपल देके दे देती हूं। मान लीजिए हम लिखते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। अब ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया है? ऑर्डिनल अप्रोच इज गिवन बाय जे आर हिक्स। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट किसने दिया है? जे आर हिक्स ने दिया है ऑर्डिनल अप्रोच का कंसेप्ट। अब इसमें क्या होता है, मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली इनकम जो है ₹100। अब आपने इससे तीन चीजें खाई। पहला आपने खाया एप्पल, देन आपने खाया बनाना, देन आपने खाया ऑरेंज। तो एप्पल खाने से आपको 80 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, बनाना खाने से आपको 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ऑरेंज खाने से आपको 100 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। अब मैं इसमें ना ये नहीं डालती रैंकिंग, सॉरी अब मैं इसमें नंबर नहीं डालती, मैंने हटा दिया।
80 को हटा दिया, 20 को हटा दिया, 100 को हटा दिया। अब मैंने बोला कि इस बच्चे को सबसे नंबर वन पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली ऑरेंज खाने से, तो मैंने इसको नाम दे दिया फर्स्ट रैंक। सेकेंड सबसे ज़्यादा उसे सेटिस्फेक्शन मिली एप्पल खाने से, तो मैंने उसे रैंक दे दी सेकेंड रैंक। फिर मैंने बोला सबसे कम उसे सेटिस्फेक्शन बनाने खाने से मिली, तो मैंने उसे दे दी थर्ड रैंक। तो अब आपने क्या देखा कि मैंने रैंक दे दी, सबसे ज्यादा रैंक किसको दी मैंने, ऑरेंज को, देन एप्पल को, देन बनाना को। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम क्या कर देते हैं, रैंक दे देते हैं, नंबर टर्म्स में नहीं लिखते। रैंक जब हम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच बन जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्लास, जब भी हम कार्डिनल की बात करें तो हम नंबर को ले लेते हैं, और अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो हम रैंक दे देते हैं कि पहले नंबर पे मुझे ऑरेंज सबसे अच्छा लगा, दूसरे नंबर पे मुझे एप्पल सबसे अच्छा लगा, और तीसरे नंबर पर मुझे बनाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट में। तो आई थिंक आपके ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अब ये क्या होता है MU, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MU? तो MU की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कम से कम आपके बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। ये अप्रोच किसके द्वारा दी गई है, एल्फर्ड मार्शल के द्वारा दी गई है। अब हम इसमें 2 अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि ऐसा हो रहा है। क्या अजम्पशन है हमारी कि कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो कंजम्पशन है वो हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, मतलब कि जो एक कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के भी बता रही हूँ। मान लीजिए एक कंज्यूमर है, उसको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो पहले उसने क्या किया, 1 ग्लास वाटर पिया, देन उसने 2nd ग्लास वाटर पिया, देन उसने 3rd ग्लास वाटर पिया, देन उसने 4th ग्लास वाटर पिया, देन उसने 5th ग्लास वाटर पिया। तो दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूस, वो एक साथ ऐसा कर रहा है, उसे बहुत प्यास लग रही है। तो जब उसने 1st ग्लास वाटर पिया तो उसे 80 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब उसने 2nd ग्लास वाटर पिया तो उसे 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब उसने 3rd ग्लास वाटर पिया तो उसे 60 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब उसने 4th ग्लास वाटर पिया तो उसे 50 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब उसने 5th ग्लास वाटर पिया तो उसे 40 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि वो 1 गिलास पानी अभी 1 घंटे में पी रहा है, फिर उसके 10 घंटे बाद पानी पी रहा है, नहीं, दैट इज अ कंटिन्यूस, ये चल रहा है प्रोसेस, कंटिन्यूस में है। क्लियर हुआ? और ये मैंने न्यूमेरिकल टर्म्स की बात करी है, तो मैं अभी कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात कर रही हूँ, ऑर्डिनल पर मैं नहीं आई हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ओनली कार्डिनल अप्रोच। क्लियर हुआ? और जो पता है आपको, ये जो मैं यूटिल्स दिखा रही हूँ आपको, दैट इज नन अदर देन बट इज मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब जब मैंने 1 गिलास पानी पिया तो मुझे 80 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब मैंने 2nd गिलास वाटर पिया तो मुझे 70 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है, डिक्लाइन कर रही है, दैट इज अ कॉमन सेंस। अभी आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, आपने 1 गिलास का पानी पिया, तो आपकी प्यास थोड़ी बहुत तो बुझी होगी, फिर आपने 2nd ग्लास पिया, फिर आपकी प्यास और बुझ गई, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, गिर रही है। एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। आप कहोगे नहीं बस हो गया, मुझे अब और पानी नहीं पीना,
अगर मैं पीऊंगा तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। क्लियर हुआ क्लास? तो ये था आपका इसमें। तो कंजम्पशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये पहली अजम्पशन है। सेकंड, नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब क्वालिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप जो पानी पहले पी रहे थे वही सेम पानी आप अभी भी पी रहे हो, क्वालिटी वही है, वही जैसा पानी आप पहले आरओ का पी रहे थे वही पानी आप अभी भी आरओ का ही पी रहे हो। क्लियर हुआ? तो क्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर है क्लास? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, मैंने नंबर ऑफ समोसा लिए हैं। जैसे अभी मैंने पानी का एग्जांपल लिया था ना वाटर का, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ, मैं अपने एग्जांपल में समोसा ले रही हूँ। तो एक बच्चा है, उसने पहले जब एक समोसा खाया तो उसे उससे 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब उसने दूसरा समोसा खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन गिर गई और 6 यूटिल्स हो गई, जब उसने तीसरा समोसा खाया तो उसे 4 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, जब इसने फोर्थ समोसा खाया तो उसे 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिली, और जब उसने फिफ्थ समोसा खाया तो उसकी सेटिस्फेक्शन जो है 0 हो गई। मैंने आपको बताया ना मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होकर 0 भी होगी और नेगेटिव भी हो जाएगी। तो ये जो आप यूटिलिटी देख रहे हैं ना, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल यूटिलिटी। आप देख रहे होंगे कंटिन्यूअस मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही है और 0 भी हो गई है, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये नेगेटिव हो जाएगी, इसीलिए मैंने इसको लिखा है, इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। क्लियर हो गया क्लास? आप देखते हैं टोटल यूटिलिटी किसे कहते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? इट इज द सम ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज। आप जितनी भी मार्जिनल यूटिलिटी है उसको ऐड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। मैं आपको ये दिखा भी देती हूं, देखिए, टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसे आपको पता है आप क्या बोलते हो? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है आपको पता है? दैट इज टोटल। आप 10th क्लास में मीन मीडियन मोड करके आए हो ना, तो उसमें आप क्या करते थे? सिग्मा टोटल निकालते थे ना, टोटल। तो टोटल यूटिलिटी कैसा निकलता है? मार्जिनल यूटिलिटी को आप ऐड करते रहो तो आपका टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फर्स्ट के लिए 80 रहेगा, क्लियर है? सेकंड के लिए मैंने क्या किया है? 8 + 6 = 14, देन 14 + 4 = 18, देन 18 + 2 = 20, देन 20 + 0 = 20, देन 20 + -2, तो दैट इज सॉल्व करेंगे तो आप क्या आएगा? 18। देखिए दिस इज टोटल यूटिलिटी कैसे आई। तो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। आई थिंक मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। क्या होता है, क्या रिलेशन है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का? अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे रखा होता है तो उनका टोटल ले लो, उन्हें ऐड करते रहो, सिग्मा ले लो, तो आपकी टोटल यूटिलिटीज निकलने लग जाती है। ऐसे ही उल्टा होता है, मार्जिनल यूटिलिटी में आप टोटल यूटिलिटी निकालने के लिए क्या करते हो? ऐड। अब आपको यूनिट्स दे रखे हैं और टोटल यूटिलिटी दे रखी है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, तो आप क्या करोगे? टोटल यूटिलिटी को सब्ट्रैक्ट करते रहो, सिंपल। तो पहले के लिए 6 का 6 रहा, देन 10 - 6 = 4, देन 12 - 10 = 2, देन 12 - 12 = 0, देन 10 - 12 = -2, देन 6 - 10 = -4। क्लियर हुआ? आई बात समझ में या नहीं आया?
और जहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। जहां पर भी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, देखिए मैंने यहां पर भी बताया, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सैटिटी। मैं आपको दिखा भी देती हूं, देखिए दिस इज द, यहां पर क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो थी, तो हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब हम इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसका रिलेशन कैसे बताएंगे क्लास, तो आप लोगों को मैं इसका डायग्राम खुद बना के दिखाऊंगी, आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं ये वाला डाटा ले रही हूं क्लास, आपको क्या क्या गिवन है, यूनिट्स गिवन है, टोटल यूटिलिटी गिवन है और मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है। देखिए ये डाटा, ये डायग्राम मैं आपके सामने बनाऊंगी और बड़े ध्यान से समझिएगा आप लोग इस डायग्राम को। देखिए क्लास, तो हम डायग्राम को बनाते हैं, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। मैं ऊपर ले रही हूँ टोटल यूटिलिटी और नीचे ले रही हूँ मैं मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आप पेपर में ये नहीं लिखेंगे जितना मैंने अभी लिखा है तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर हुआ क्लास? आप देखिए सबसे पहले हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही मैं नीचे लूंगी, 1, 2, 3, 4, 5 and then 6। क्लियर हुआ? आप सोचिएगा गैप बराबर आया, ठीक है क्लास? अब देखिए सबसे पहले मैं टोटल यूटिलिटी ड्रॉ कर रही हूं, ये रहा 6, 10, 12, तो मैं ले रही हूँ 3 का टेबल ले लेती हूँ मैं, या मैं 2 का ही टेबल ले लूँ, 2 का ले लेते हैं, चलो 2, 2 the 4, 2, 3 the 6, 2, 4 the 8, 2, 5 the 10, 2, 6 the 12, 2, 7 the 14, ऐसे मैं यहाँ पे भी 2 का टेबल ले लेती, 2 1 the 2, 2 2 the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12। क्लियर है क्लास? मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, यहाँ मैंने ऊपर 3 का लिया, यहाँ 2 का लिया है, नो प्रॉब्लम, मैंने दोनों जगह ऐसे ले लिया। तो अब जब मेरा 1 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 6, जब मेरा 1 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 1 था तो टोटल यूटिलिटी थी मेरी 6, ठीक है? जब मेरा 2 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 10, जब मेरा 2 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 10, जब मेरा 3 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी थी 12। दिस पॉइंट जब मेरी 4 था तो मेरी टोटल यूटिलिटी वही सेम, देन जब 5 था तो टोटल यूटिलिटी थी 10, ठीक है? और जब 6 था तो टोटल यूटिलिटी थी मेरी 6। तो अब आप इन सबको मिला दीजिए, दैट इज टोटल यूटिलिटी, ऐसे बन गया। क्लियर हुआ? ऐसे बना डायग्राम, क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नीचे मार्जिनल यूटिलिटी पे, कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनाया।
जब यूनिट वन थे तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 6, जब 2 था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 4। जब 3 था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 2। जब 4 था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0। अब देखिए ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको पता होगा हम यहाँ लेते हैं नीचे, तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, -2 -4। तो जब मेरी 5 थी तो मेरी यूटिलिटी थी -2, देन जब 6 था तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी थी, यस दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। देखिए क्लास, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये मैंने ग्राफ बनाया है। तो आपको ना मैं एक बेसिक चीज बताती हूँ इससे पहले। देखिए क्लास, एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, जब भी आपको कोई शेप ऐसी नजर आए, दैट इज अ कॉन्वेक्स शेप, दिस इज अ कॉन्वेक्स। और अगर आपको पता होगा पीपीसी अगर आपने पढ़ा है, दैट इज दिस शेप, दैट इज अ कॉनकेव शेप। इसका मतलब ये होता है दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव, अंदर को है ना, ये बाहर को, दैट इज। तो अगर आपने इस बात को देखा होगा, स्टार्टिंग में देखिए आप दिस वे, मैं आपको दिखा देती हूँ रेड पेन से, देखते हैं दिस यहाँ तक। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, बढ़ रही है, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव शेप में होता है जब भी टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और जब टोटल यूटिलिटी, देखिए आप ये पॉइंट को मैं टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। और जब आपने देखा होगा जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, उस समय मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल कर रही है, लेकिन जो फॉलिंग रेट है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। अब इसके बाद यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो टोटल यूटिलिटी इज कॉन्स्टेंट या फिर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा है यहां पर टोटल यूटिलिटी, और मैं आपको दिखा भी देती हूं एट फोर्थ एंड थर्ड यूनिट। देखिए टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम 12, ये आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज 12, क्लियर हुआ। तो यहां पर मेरी टोटल यूटिलिटी जब भी मैक्सिमम होती है तो उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। देखिए जब टोटल यूटिलिटी मेरी मैक्सिमम थी तो उस केस में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जीरो है। और जब टोटल यूटिलिटी फॉल करता है उस समय मार्जिनल यूटिलिटी मेरी कैसी है, मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। देखिए जब मेरा टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, 10 से 6 हो गया ना, 12 से 10 फिर 6, तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव है। तो ये मैंने आपको बना के भी दिखाया है, पेपर में आपको ऐसे ही बनाना है और इसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। कैसे, व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट पॉजिटिव। When total utility is constant or maximum, at that point marginal utility is zero. When total utility falls, at that time marginal utility is negative. This shows the relationship between total utility and marginal utility. Clear hai class? तो अगर आपको मेरा video अच्छा लगे तो please like, share and subscribe जरूर करिएगा मेरे channel को।
अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगी। थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।